आइटम छोड़ के आ रहे हैं, ये ऐसा समझ रेडी हो। ट्रेन की पटरी पे स्ट्रीट डॉग घूम रहा था और इसका एक पैर और पूंछ कट गई भाई। अभी वाइस पूरा थक गया और शिरो भी भाई, ये इतना गैप है, इतना हेड साइज है। गाइज वेलकम माई यूट्यूब चैनल डॉग लवर 2.0, स्वागत है भाई को नए व्लॉग में। गाइज देख रहे हो आप, लीजा को साथ ले आए हम, क्योंकि भाई हम एक डॉग्स के पास जा रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। और गाइज मेरे को पता नहीं है ये शायद एग्री है या नहीं है, क्योंकि जब भी ये डॉग्स किसके पास आ रहा है या देख रही है चुपचाप खड़ी हो जा रही है। अभी मैटिंग के मैंने बात हुई है डॉक्टर से कि 4 मंथ इसको हो गया है जब ये पपीज दिए हुए, तो उसके बाद ये एग्री हो जाती है अभी, क्योंकि इसको ब्लीडिंग वगैरह हुई नहीं या हुई तो हमें पता नहीं चला। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, इसका पॉइंट पूरा प्रॉपर कंप्लीट है मैटिंग के लिए, तो वही जाके हम चेक कराने वाले हैं। अभी देखने ना बने रहना ब्लॉग में, घर से निकल लिए हम। तो गाइस अभी दिखाता हूँ आपको दिल्ली की सड़कें। गाइस देख लो कितना भीड़ भड़ाका हो रहा है, और भाई कोई दिल्ली से वीडियो देख रहा हो तो बताना, एक बार पहचान में आ जाए तो किसी की जगह एक बार दिखा देता हूँ। ये कौन सा रोड है गाइस, कौन से रोड पे हम चल रहे हैं बताना गाइस। ये है ना इतना मतलब वो कर रही है, जैसे इसको ऐसा लग रहा है इसको कहीं हम छोड़ के आ रहे हैं, ये ऐसा समझ रही है बार बार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे चिल्ला रही है या ऐसे मतलब कह रही है कि मेरे को वापस लेके चलो। तो कई बार डॉग्स होते हैं ना, ये सोच रहे हैं जैसे मेरे पहले ओनर ने इसको छोड़ दिया था, कहीं ये भी मेरे को छोड़ के आ रहे हैं। तो गाइस लीजा हम तेरे को छोड़ के नहीं आ रहे बेटा। तो गाइस देखो सामने ना ट्रेन की पटरी है, और ट्रेन की पटरी पे स्ट्रीट डॉग घूम रहा था और इसका एक पैर और पूंछ कट गई भाई। अभी इसको दवाई और पट्टी करेंगे, भाई लेके आया है और एनजीओ वालों को फ़ोन करा है भाई, इसको दवाई पट्टी करके एनजीओ वालों के साथ इसको भेज देंगे। फ़ोन कर दिया है, अभी आने लग रहे हैं एनजीओ वाले। और गाइस स्ट्रीट डॉग की ऐसी हालत होती है भाई, कहीं भी हो। और गाइस देख लो शिरो आ गया भाई, देखो कितनी ज़बरदस्त फेस, देखो भाई इतना ज़बरदस्त लग रहा है शिरो, और कमज़ोर हो गया भाई थोड़ा, है ना अभी ये ड्रिप लगी हुई थी इसको, थोड़ा बीमार था ये कई दिनों से। और गाइस अभी देखते हैं, चलो भैया। और एक जर्मन शेफर्ड हो रहा है भाई, मेल है भाई ये, फीमेल है गाइस देख लो। क्या नाम भाई इसका? बेला। गाइस देख लो, तो गाइस अभी देखते हैं इसको क्या एग्री होती है, लीजा नहीं होती है। और देख गाइस देख लेना, अब थोड़ा सा आईसी में चलेंगे ना उधर को। हाँ उधर आ जाओ, और गाइस अभी मैटिंग के लिए ना रेडी है। गाइस पूरा थक गया है और शिरो भी भाई, ये तैयार तो है मैटिंग के लिए, लेकिन अब ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस मैटिंग कंप्लीट हो गई है भाई, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि थोड़ी हाइट है ना इसकी थोड़ी बड़ी थी, हाँ शिरो की। तो गाइस अब देखते हैं आगे क्या होगा भाई, परमात्मा की मर्जी है, अगर देखेंगे। लेकिन भाई बच्चे बड़े सॉलिड आएंगे इस बार, बड़े सॉलिड बच्चे आएंगे। तो भाई दो रख रखे भाई इसके बच्चे, अभी दिखाता हूँ फोन में, दिखाता हूँ आ जाना घर भी आज, देख लियो भाई। और क्रॉपिंग देख कितनी तगड़ी करा रखी है मैंने, बहुत तगड़ी। गाइस देखो लॉक लगाने के बाद है ना नेक्स्ट प्रोसेसर होता है, आपको ना पीछे वाले पैर पकड़ के फीमेल के वो उठाने पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद अगला प्रोसेसर होता है हमें 2 लड्डू लेने हैं बेसन के और दही में वो दे दो। तो गाइस आप बताना ज़रूर। और भाई अभी मेरे को पता था, क्योंकि भाई मेरे को अभी इतना अंदाजा है की मैटिंग पे ये आ रखी थी भाई, इतने दिन हो गए काम करते करते गाइस, तो इतना तो पॉइंट देख के ही पता चल जाता है लास्ट टाइम पे हुआ है। तो गाइस अभी लोग छूटते ही हमें दो पैर उठा के रखने हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताइए दही और लड्डू देने होते हैं। गाइस देखो भाई की उंगलियां भी नहीं आ रही, इतना गैप है, इतना हेड साइज है अभी, हाँ कैमरे में दिख रहा होगा ये, लेकिन इसका हेड साइज वाकई में गाइस बहुत बड़ा है, रियल में देखोगे तो पता। हाँ तो गाइस अभी है ना घर पे आ गए हम, और मैं ले आया हूँ दही और ये बेसन के लड्डू। तो गाइस देखो जैसा कि मैंने आज मैटिंग कराई है, अब एक दिन छोड़ के अगले दिन करानी है, एक दिन छोड़ देना है, 2 मैटिंग करानी है आपको। और ये मैं बेसन के लड्डू आज भी दे रहा हूँ, और परसों जब मैटिंग कराऊँगा तब भी दूंगा दही के साथ। और गाइस देखो आप, क्यों कहना इसको बोलते हैं साइलेंट हीटिंग बोलते हैं इसको, इसमें ना ब्लड नहीं आते, कई बार पॉइंट से ही पता चल जाता है फीमेल की कि हाँ भाई तुम्हारे मतलब अंदाज़ा हो जाता है, एक मेरे को यार अंदाज़ा इतने साल हो गए, मतलब एक्सपीरियंस है मेरे को थोड़ा, और आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो। लीजा इधर आओ, यहाँ आओ लीजा ले।
और गाइज इसको साइलेंट हिटिंग बोलते हैं, जिसमें है ना ब्लड नहीं आते, खाली पॉइंट से ही पता चल जाता है। भाई मेरे को इसलिए अंदाजा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है और आप मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कैसे डॉग के बारे में इतना जानता हूँ, कैसे डॉग लवर बना और भाई कैसे क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि जब कोई दूसरा डॉग मैं किसी और के पास देखता था, कैसे मतलब सोचता था कि डॉग लाऊं, कैसे मैं डॉग लेके आया फिर उन्हें रख नहीं पाया, किस वजह से रख नहीं पाया। तो गाइज सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज तक कितने तरीके के मैंने डॉग रखे हैं, कौन कौन सी नस्ल रखी है और उनको क्यों नहीं रख पाया हूँ। भाई मैं एक टाइम ऐसा था, मैं शौक था जब मेरे को तो स्ट्रीट डॉग भी ले आता था लेकिन रखने नहीं देते थे, किस कारण नहीं रखने देते थे, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और ब्लॉग आपको कैसा लगा वो भी बता देना, एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी बता देना, क्योंकि मैंने बताया था ब्लड इसको हुआ नहीं है, पॉइंट से ही मेरे को पता चल गया था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।